ये 27 साल का विश्वास है भाजपा के ऊपर जनता का, ये जीत गुजरात की जनता की जीत है, नरेंद्र मोदी के विश्वास की जीत है। उसको मालूम नहीं है वो गुजरात है, उसको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो ओनली फॉर बीजेपी चलती है, नरेंद्र भाई मोदी का इफेक्ट चलता है, नरेंद्र मोदी का काम चलता है, अमित भाई का काम चलता है और भूपेंद्र भाई पटेल का काम बोलते हैं यहाँ तो। गुजरात में तो बीजेपी चलेगी और चलती रहेगी। गुजरात के लोग फोगट में कोई रेवड़ी लेने वाला नहीं है, तो मेहनत करते हैं और मेहनत से कमाते और खाते हैं और हम विकास देखते हैं। मफत में कुछ लेते नहीं है, मफत का काम दिल्ली वाले को सौंपते हैं। हम गुजरात वाले मफत में कुछ नहीं लेते, हम तो हम विकास में मानते हैं। विकास जिसने हमारे गुजरात का विकास किया, देश का विकास किया है, नरेंद्र मोदी जैसा लायन बैठे हुए, लायन उसको लायन बोलते हम, लायन जैसा है उसका प्रभुत्व है नरेंद्र भाई मोदी है हमारे लिए। सब लोग यहाँ पार्टी के लिए जीते पार्टी लेके मर जाते हैं, और जब से हमने केसरिया धारण किया है तब से केसरिया में हम लपेटे गए हैं। तो हमारी ये पहले तो देश सेवा का हमारा मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। और केसरीवाल जैसे हर लोग आते हैं, सपने दिखाते, लेकिन हमारी गुजरात की जनता है वो बिल्कुल उसमें आती नहीं है। और सब लोग आत्मनिर्भर है, सब महिलाएं कमाती है और सबके पति भी बहुत अच्छा कमाते, उनको सपने देखने की आदत नहीं है। उनको पहले बोलिए दिल्ली साफ करे, केसरीवाल को बोलो गंदगी यमुना की साफ करे, बाद में गुजरात आने की हिम्मत करे। देखिए हमने तो चुनाव के पहले भी कहा था, वोटिंग के बाद भी कहा है, और रिजल्ट जब आने लगा है तब भी हम आश्वस्त हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और गुजरात करीबन 90 से कांग्रेस यहाँ नहीं है, उसको 32 साल हो गया, और किसी एक पार्टी को 7वीं बार उसी पार्टी को सत्ता में लाना, ये जनता का विश्वास संपादन करना, ये भारतीय जनता पार्टी का सद्भाग्य है। खास करके मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात जिस तरह से मॉडल बना विकास की, खास करके गुजरात में जो दिक्कतें थी, पेयजल की थी, इरिगेशन की थी, आम आदमी की सामान्य मुश्किलियाँ जो थी, वो सारी की सारी इस तरह से नर्मदा का पानी बहने लगा, पूरे सौराष्ट्र रीजन और उत्तर गुजरात जो ड्रॉट प्रोन जोन उसको इरिगेटेड लैंड करके हमने तब्दील किया, और ख़ास करके यहाँ के किसान और गरीब ट्राइबल एरिया, इवन वी इंट्रोड्यूस अ ट्राइबल पैटर्न विच वॉज भूरिया कमिटी रिपोर्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट इन इंडिया गुजरात में। तो ये जो सारे बदलाव आया है उसको गुजरात की जनता ने स्वीकारा है, और जब देश में अमित भाई और नरेंद्र भाई गुजरात का नेतृत्व तो पूरे भारत में दे रहे हैं, तो गुजरात की जनता का इनके प्रति अप्रतिम प्रेम होना और गुजरात को जिस तरह से उन्होंने संभाला है, संवारा है, तो गुजरात की जनता ने बहुत प्यार से ये भारतीय जनता पार्टी को हृदय से स्वीकारा।